ये है चाहते की कहानी में फिलहाल रुद्राक्ष और प्रशा की बीच की गलतफहमियां तो ठीक हो गई हैं, लेकिन प्रशा और सारांश के बीच में मिश्का, कबीर, सुलोचना ने मिलकर डाल दी है एक गहरी दरार, जिसे भर पाना प्रशा के लिए फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। आगे आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि कैसे सारांश को अपने फ्रेंड के यहाँ पर ड्रॉप करेगी प्रशा और उसे जाता देख उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें करती हुई नज़र आएगी और कहेगी कि मामा लव्स यू सबसे ज़्यादा। पता नहीं सारांश तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन बाद में दिखाया जाएगा कि कैसे मिश्का कहेगी प्रशा से आकर के कि तुमने ये करने की कोशिश कैसे की, तुम अपने ही बच्चे को रोड पर ऐसे कैसे छोड़ाएं कि जैसे वो अनाथ हो, वो बेचारा रोड पर खड़े होकर के रो रहा था। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि प्रशा जैसे ही सारांश को बर्थडे पार्टी से वापस लेने के लिए जा रही होगी, तभी सनी उसके पास आएगा और उसे कहेगा कि मामा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। यहाँ पर उसका टेक केयर करने के चक्कर में, सनी का ख्याल रखने के चक्कर में बेचारी प्रशा सारांश को वापस लाना भूल जाएगी और यही हो जाएगी उससे बड़ी गलती, जिसका फ़ायदा मिश्का उठाएगी और सारांश के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि जैसे सनी के लिए प्रशा ने सारांश को खो दिया है, उसे भूल दिया है। तभी यहाँ पर सारांश प्रशा को धक्का देगा और रुद्र के सामने उसकी इंसल्ट करेगा और कहेगा कि मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी, आप बहुत गंदी ममा हो, आप मेरी ममा हो ही नहीं सकती। सारांश के साथ में इतना अच्छा बॉन्ड के बाद इतनी ज़्यादा नफरत उसके दिल में अपने लिए देखकर प्रशा का दिल टूट जाएगा और वह रुद्राक्ष के आगे रोते हुए नजर आएगी। यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाली कहानी में, जिसके बाद अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कि आखिर सारांश और प्रशा के बीच की गलतफहमी रुद्राक्ष कैसे क्लियर करता है और कैसे रुद्र के आगे ये राज खुलता है कि सनी उसका बेटा नहीं बल्कि कबीर और युवराज की सोची समझी साजिश का एक मोहरा है। आपको क्या लगता है, कितना मजा आ रहा है आपको इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न वाले एपिसोड में, कमेंट करके जरूर बताएं।